हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इग्नियस रॉक कंप्लीट कर चुके हैं और सेडिमेंट्री रॉक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा था। तो अब देखिए, ये जो रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, ये हमारी लास्ट रॉक है। मतलब तीन मेजर टाइप्स ऑफ जो रॉक्स पढ़ने वाले हैं उसमें ये जो थर्ड टाइप ऑफ रॉक है ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती है, क्या होता है, यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए मेटामॉर्फिक, अब जैसे हमने देखा था कि इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों के वर्ड ओरिजिन कहां थे, दोनों के वर्ड ओरिजिन थे, इग्नियस का वर्ड ओरिजिन था इग्निस में, इग्निस का मतलब क्या था, फायर। और उसी तरह से हमने अगर देखा सेडिमेंट्री का, तो उसका वर्ड ओरिजिन लैटिन वर्ड सेडिमेंटम में था, जिसका मतलब सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक जो है तो इसका वर्ड ओरिजिन अलग फैमिली से आता है, ग्रीक। ठीक है, ये ग्रीक फैमिली से या फिर ग्रीक वर्ड ओरिजिन अगर देखा जाए तो ग्रीक लैंग्वेज से निकल के आता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोस जो होता है, तो मेटामॉर्फोस में क्या होता है, मेटामॉर्फोस का मतलब होता है मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म मतलब क्या है कि उसके प्रकार में बदलाव आना, प्रकार में उसका जो रूप होता है उसमें बदलाव आना है। रूप में कैसे बदलाव आएगा, यहाँ पे फेरन लवली नहीं लगाती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, रूप में बदलाव कैसे आता है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ड ओरिजिन रहता है उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती है रॉक। जैसे हमने इग्नियस का इग्निस, फायर, फायर मतलब मैग्मा से बन रही है। तो वैसे चेंज ऑफ फॉर्म मतलब क्या है कि मेटामॉर्फिक एक ऐसी रॉक होती है जिसके फॉर्म में चेंज आता है, जिसके प्रकार में बदलाव आता है। प्रकार में बदलाव कैसे आता है, उसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब देखो क्या है, ये आपस में सब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है सारी रॉक्स। क्या होता है कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो रहती है वही दोनों रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर लेती है अपने आप को, या फिर यही रॉक्स क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। कैसे बनती होगी, सवाल ये उठता है। तो वही मैं आपको समझाता हूं कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट होती है, तो उसके पीछे की कहानी समझो। हाउ, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा ना कि कैसे अपने आप थोड़ी ना बदल जाती है कोई, ये जैसे हमने कहा कि क्या अपना रूप बदल लेती है या फिर अपने प्रकार में बदलाव ले आती है, तो आप सोचोगे क्या इच्छाधारी नागिन है क्या ये, तो इच्छाधारी नागिन नहीं है ये। यहां पर ये अपने फॉर्म को कैसे चेंज करती है, तो चेंज करती है अपने फॉर्म को अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक गोज अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज देयर फॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कि जब क्या होता है, जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज्यादा हीट काम करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर काम करती है, तो वो अपने फॉर्म को बदल के, अपने फॉर्म में चेंज लाके क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, दो मिनट में समझ आएगा। देखो क्या है, क्या होता है कि हमने ये देखा ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, अभी बनी नहीं है, ठीक है, बनेगी बाद में, ये मेटामॉर्फिक रॉक बनने वाली है। नीचे क्या होता है, नीचे हमने ये देख लिया मैग्मा होता है। मैग्मा कहां मिलेगा, तो हमने पढ़ा था कि अर्थ की तीन लेयर्स होती है, ऊपर वाली लेयर का नाम रिकॉल करो, क्या नाम था ऊपर वाली लेयर का, क्रस्ट। तो ऊपर वाली लेयर हमारी एक क्रस्ट हो गई, ठीक है, क्रस्ट के बाद में क्या होता है नीचे, तो ये क्रस्ट के बाद में नीचे होता है मैग्मा, जो कि क्या होता है, धधकता हुआ एक तरह से ज्वालामुखी के अंदर का पूरा मटेरियल, लावा जो रहता है ना वो रहता है, तो ये मैग्मा है। अब आपको पता है कि मैग्मा तो क्या होता है, उस पर आप पैर नहीं रख सकते ना, पैर जल भी जाएंगे, और उसके बाद में वो सेमी सॉलिड होता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड ऐसा रहता है, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते उसके ऊपर जो लेयर रहेगी वह सॉलिड रहेगी। तो अब हमने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि सेडिमेंट्स जम जाते हैं सारे लेयर में, ठीक है, अब सेडिमेंट्स जब सारे लेयर में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, अपने आप को लेयर में क्या कर लेते हैं, सेटल डाउन करवा लेते हैं, तो एक लेयर, ये एक लेयर बन गई, उसके ऊपर एक लेयर और बन गई, उसके ऊपर एक लेयर, ये बन गई, इसके ऊपर एक लेयर, तो इस तरह से बहुत सारी लेयर्स बन जाती है सेडिमेंट्स की। अब जब बहुत सारी लेयर्स बन जाती है तो वो क्या करती है, वो लेयर्स प्रेशर क्रिएट करती है, मानते हो ना, वो लेयर प्रेशर क्रिएट करेगी, ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब आप बोलोगे प्रेशर तो समझ में आ गया सर, हीट कहां से आ गई, ठीक है,
हीट कहां से आ गई मैं बताता हूं। तो हीट ऐसे आती है कि ऊपर से सूर्य भगवान बहुत ज्यादा हीट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हीट कहां से आती है कि जो क्रस्ट के नीचे क्या है, अभी बताया था क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल में क्या होता है मैग्मा, मैग्मा क्या होता है बहुत ठंडा होता है क्या, नहीं मैग्मा तो बहुत गर्म होता है, उबलता हुआ रहता है वो तो वो मैग्मा क्या करता है, वो मैग्मा नीचे से हीट सप्लाई करता है। आगे समझ में, जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए गैस पर आप कुछ भी खाना बनाते हैं तो आप ये थोड़ी ना कि सीधे आग में ही डाल देते हो, आप तो क्या करते हो बीच में आप एक पैन रखते हो, फ्राइंग पैन रखते हो, उसके ऊपर खाना रखते हो, लेकिन फिर भी वो खाना गर्म कैसे हो जाता है, क्योंकि जो नीचे से हीट है वो नीचे से जो फायर है वो क्या सप्लाई कर रही है, वो हीट सप्लाई कर रही है। वही चीज होती है कि यहां पे नीचे से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मैग्मा जो है वो हीट सप्लाई करता है। तो प्रेशर हीट, प्रेशर हीट, प्रेशर और हीट के चलते प्रेशर कुकर की तरह यहां पे जो बीच में रॉक जो रहती है वो दब जाती है और वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, फॉर्म चेंज कर लेती है। और जैसे एग्जांपल देखें हम तो क्या हो जाता है, क्ले जो रहता है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, ठीक है। स्लेट क्या है यहां पे देखो, तो इस तरह का जो पत्थर होता है, ठीक है, इसे परतदार पत्थर भी कहा जाता है स्लेट को। परतदार मतलब क्या होता है, लेयर्स जो रहती है बहुत सारी, तो परत एक परत, दो परत, तीन परत, तो परतदार पत्थर। अब ये पत्थर कैसे बन गई परत, तो जैसे क्ले जो रहती है ना, क्ले यानी क्या होती है मिट्टी, जो धूल होती है, तो क्ले पत्थर कैसे बन जाती है। अब देखो क्या है कि यहां पे मान लो ये मिट्टी थी पहले पूरी, मेटामॉर्फिक रॉक बनने से पहले पूरी मिट्टी थी, उसके ऊपर और लेयर्स जम गई, प्रेशर बन गया ऊपर से, नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई हो रही है, तो वो प्रेशर और हीट क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है, और वो क्ले जो रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो ज्योग्राफी जो है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स में ही मिलेगी आपको, ज्योग्राफी तो फैली हुई है आजू बाजू, ठीक है, बुक में पढ़ते रहोगे तो बोरिंग लगेगा, आजू बाजू ऑब्जर्व करो चीजों को, कैसे प्रेशर और हीट फॉर्म चेंज करवा देता है। जैसे हमने देखा कि दूसरी रॉक्स क्या बन जाती हैं, दूसरी रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरी रॉक्स कौन कौन सी, मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री, तो इस कारण से हो पाता है क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री, अगर आप देखो सेडिमेंट्स टूट गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो सेडिमेंट एक साथ इकट्ठे हो गए, सेटल डाउन हो गए, सेडिमेंट्री बन गए, लेकिन जब उन पे और प्रेशर और हीट पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक बन जाएंगे, ठीक। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं अब आपको देता हूं, लाइव एग्जांपल क्या है, हम जैसे आटा रहता है ना जो हमारा फ्लोर, व्हीट फ्लोर, तो आटे को क्या करते हैं, हम गूंदते हैं, गूंदते हैं तो क्या हो गया, प्रेशर अप्लाई हो गया मान लो, तो प्रेशर का काम ये हो गया। फिर क्या होता है, जब उसको हीट मिलती है, हीट कहां से दोगे आप, क्या बोलते हैं, मेंटल के ऊपर ले जाके रखोगे क्या, नहीं, हीट मतलब अपना गैस चालू करके जब हम आटे को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो आटा जो कि क्या था, क्ले की तरह था, पाउडर था, वो आटे से क्या बन जाता है, उसका फॉर्म चेंज करके आप रोटी बना देते हो, सॉलिड बना देते हो, वही चीज। तो उसी तरह से जब सेडिमेंट्स जो रहते हैं, when these sediments go undergoes great heat and pressure, they change their form, ठीक है, वो अपना form बदल लेते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे clay slate में convert हो जाती है, limestone जो है marble में convert हो जाता है। limestone मतलब क्या, जैसे चूना जो रहते हैं, चूने के जो पत्थर रहते हैं, तो वो marble में बन जाते हैं। marble जैसे हम देखते हैं ताजमहल marble से बना हुआ है, ठीक। तो सारी चीजें क्या करती है, अपना form बदल लेती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया metamorphic rock क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, किससे बनती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक फेसेस ह्यूज प्रेशर एंड हीट, दे चेंज देयर फॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल सी चीज, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गई है, आया समझ में। मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिया हमने, हमने इग्नियस रॉक पढ़ लिया है, हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिया है, तो तीनों रॉक्स कंप्लीट होती है इसी के साथ में और हम द रॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो तीनों रॉक्स कंप्लीट हो गई हमारी इसी के साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रॉक साइकिल पढ़ेंगे। रॉक साइकिल क्या होता है ये मुझे बताइए आप। रॉक साइकिल मतलब सिंपल सी चीज है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में सारी चीजें चलती हैं। साइक्लिक प्रोसेस में कैसे चलती है वो मैं आपको समझाता हूं। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे चलती है, देखो कि यही इग्नियस रॉक क्या बन रही है, मेटामॉर्फिक बन रही है, यही सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन रही है, और आप आगे पढ़ोगे रॉक साइकिल में कि यही मेटामॉर्फिक कल को फिर से इग्नियस बन जाएगी। तो एक सब कुछ साइकिल में होता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रॉक्स जो रहती है तो आपस में एक साइकिल की तरह घूमती रहती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।